पिछले कुछ सालों से कैमरा स्मार्टफोन काफी तेजी से इवॉल्व हुए हैं, और स्पेशली हम बात करें बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन्स विच मनी कैन बाय, तो वहां पे और भी ज्यादा क्लोज कंपटीशन है। तो अगर हम बात करें दुनिया के बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन्स की, तो वो पिछले कुछ समय से काफी तेजी से इवॉल्व हुए हैं। आज की डेट में जो टॉप ऑफ द लाइन कैमरा स्मार्टफोन है वो DSLR की क्वालिटी को भी टक्कर दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही चार फोन के बारे में जो आपको देंगे सबसे बेस्ट इमेज और वीडियो क्वालिटी। तो बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो होने वाली है ये, और हमने स्मार्टफोन को रैंक भी करा है ताकि आप अपना डिसीजन बेहतर तरीके से ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हमारे लिस्ट के चौथे नंबर के फोन की, और चौथे नंबर पे है Xiaomi की तरफ से Mi 11 Ultra। शुरुआत करते हैं इस फोन के कैमरा से। तो इस फोन के रियर में हमें देखने को मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप। इस फोन का जो प्राइमरी सेंसर है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट है किसी भी स्मार्टफोन में। साथ ही इस फोन का जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है उसमें भी आपको दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलता है, और इस फोन का जूम ये भी सबसे ज्यादा है किसी भी स्मार्टफोन में। इस फोन में आपको 120x का जूम देखने को मिलता है। तो बात करते हैं इस फोन के कैमरा स्पेसिफिकेशन की। इस फोन के रियर में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है जो कि आता है f1.95 अपर्चर के साथ। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस फोन में आपको दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन कैमरा सेंसर देखने को मिलता है जो कि है 0.89 इंचेस का, जो कि काफी इंप्रेसिव है। और साथ ही इसमें आपको देखने को मिलता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी। बात करें इस फोन के सेकेंडरी सेंसर की, तो वो हमें 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलता है जो कि आता है 128 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ। और साथ ही इसमें हमें देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस जो कि आता है 5x डिजिटल जूम के साथ। और इसमें हमें देखने को मिलता है 120x का ऑप्टिकल जूम, और साथ ही इसमें हमें देखने को मिलेगा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी। इस फोन के रियर कैमरा से आप 8K वीडियो ले पाएंगे, मगर डिसअपॉइंटिंग चीज ये है कि सिर्फ ये 24fps पे लॉक्ड है। अब बात करते हैं इस फोन के फ्रंट कैमरा की। तो इस फोन के फ्रंट पे हमें देखने को मिलता है 20 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस जो कि आता है f2.2 अपर्चर के साथ, और इससे आप फुल एचडी वीडियो ले पाएंगे 30fps पे। मगर एक अच्छी चीज ये है कि इस फोन के रियर में हमें एक छोटी स्क्रीन देखने को मिल जाती है जिसकी हेल्प से आप रियर कैमरा से भी सेल्फी ले पाएंगे। तो आपकी जो सेल्फीज हैं वो रियर कैमरा से काफी अच्छी क्वालिटी में आएंगी। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन के कुछ और फीचर्स की भी। तो इस फोन में हमें 6.81 इंच का क्वाड एचडी प्लस 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, और साथ ही इस फोन के रियर में हमें देखने को मिलता है 1.1 इंच का ओएलईडी डिस्प्ले, जो वही डिस्प्ले है जो हमें एमआई बैंड 5 में देखने को मिलता है। इस फोन के स्क्रीन में मिलेगा आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टिस का प्रोटेक्शन, और ये फोन आता है सिरेमिक बैक के साथ जो कि देखने में इसको काफी प्रीमियम बनाता है। और साथ ही इस फोन में मिलेगा आपको एल्यूमिनियम फ्रेम भी। बात करें इस फोन के प्रोसेसर की, तो इस फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिलता है, और जीपीयू आपको देखने को मिलेगा एड्रेनो 660 LPDDR5 प्राइम UFS 3.1 के साथ। इस फोन का ऑनटू डू स्कोर है 6,80,000। बैटरी आपको मिलेगी 5000 mAh के लिथियम पॉलीमर 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि लेते हैं सिर्फ 36 मिनट इस फोन को 100% चार्ज करने में। साथ ही इस फोन में मिलेगी आपको IP68 की वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट की रेटिंग। इस फोन का वेट 238 ग्राम और मोटाई 8.4 mm। ये फोन आप दो कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे, ब्लैक और ब्लू। इसका 12+256GB वाला वेरिएंट आप 70,000 रुपए में खरीद पाएंगे। तो आखिरी में बात कर लेते हैं इस फोन की कुछ कमियों की। तो पहली कमी यह है इस फोन की कि ये एक टॉप हेवी फोन है। इस फोन का रियर कैमरा मॉड्यूल काफी भारी है और बाहर भी काफी निकला हुआ है, जिसकी वजह से ये फोन फ्लैट सरफेस पे टॉपल करता है। तो हो सकता है ये डिजाइन काफी लोगों को पसंद ना आए। और बात करें इस फोन की दूसरी कमी की, तो वो ये है कि इस फोन में आपको इनकंसिस्टेंट फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। पर ओवरऑल ये काफी अच्छा स्मार्टफोन है। जो लोग कम प्राइस में एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन देख रहे हैं वो इस फोन के साथ जा सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर के फोन की तरफ, और तीसरे नंबर पे है एप्पल की तरफ से iPhone 12 Pro Max। तो शुरुआत करते हैं इस फोन के कैमरा स्पेसिफिकेशन से। इस फोन के रियर में हमें देखने को मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप, 12 मेगापिक्सल का हमें देखने को मिलता है वाइड एंगल लेंस जो कि आता है f1.6 अपर्चर के साथ। इसमें आपको सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है, जिसमें आपका सेंसर शिफ्ट होता है इंस्टेड ऑफ लेंस आपके हैंडशेक को कंपनसेट करने के लिए। साथ ही इसमें हमें देखने को मिलता है 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस जो कि आता है 2.5x ऑप्टिकल जूम के साथ, और इसमें हमें देखने को मिलता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी। और इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जिसका फील्ड ऑफ व्यू है 120 डिग्री। और चौथा जो है वो हमें देखने को मिलता है लिडार स्कैनर। बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो वो है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो ये लेजर्स की मदद से ऑब्जेक्ट की डेप्थ मेजर करता है। इस फोन के रियर कैमरा से आप 4K वीडियो ले पाएंगे 60fps पे, और वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे आप डॉल्बी विजन HDR पे भी। और बात करें ऑडियो की, तो इस फोन में आप स्टीरियो साउंड रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं इस फोन के फ्रंट कैमरा पर। तो इस फोन के फ्रंट में हमें देखने को मिलता है 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस जो कि आता है f2.2 अपर्चर के साथ, और इससे आप 4K वीडियो ले पाएंगे 24fps पे। अब बात कर लेते हैं इस फोन के कुछ
और फीचर्स की। इस फोन में हमें 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस ओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिलता है HDR10 और डॉल्बी विजन के साथ। इस फोन में हमें प्रोटेक्शन के लिए मिलता है स्क्रैच रेजिस्टेंट सेरेमिक ग्लास और बॉडी हमें देखने को मिलती है स्टील की और साथ ही हमें देखने को मिलता है स्टील बॉडी फ्रेम भी। और बात करें इस फोन के प्रोसेसर की तो इस फोन में हमें एप्पल का A14 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलता है, LPDDR4X रैम और इस फोन का AnTuTu स्कोर है 6,38,000। बात करें इस फोन की बैटरी की तो इस फोन में आपको 3600mAh की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है मगर इस फोन में आपको चार्जर देखने को मिलता नहीं है। इस फोन में आपको IP68 की वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट की रेटिंग देखने को मिलती है। साथ ही इस फोन का वेट है 226 ग्राम और मोटाई है 7.4 mm। ये फोन आप चार कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे, गोल्ड, सिल्वर, ग्रेफाइट और ब्लू। इसका 128GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको 1,25,000 रुपए में मिल जाएगा। तो आखिरी में बात करते हैं इस फोन की कुछ कमियों की। तो एप्पल ने एनवायरमेंट के नाम पे इस फोन का डब्बा इतना सा कर दिया है और चार्जर गायब कर दिया है डब्बे से। और बात करें इस फोन की दूसरी कमी की तो 1,25,000 का होने के बाद भी इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है। तो इस चैनल पे अभी हम चला रहे हैं 1,000 रुपए के अमेज़न गिफ्ट कार्ड का गिव अवे। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका बेस्ट पिक कौन सा है इस लिस्ट में से, और साथ ही आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन करनी है। तो अब बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के सेकंड लास्ट पोजीशन के फोन पे, और जो सेकंड लास्ट पोजीशन पे फोन है वो है गूगल की तरफ से पिक्सल 5। इस फोन के रियर में हमें देखने को मिलता है 12.2 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस जो कि आता है f1.7 अपर्चर के साथ, और साथ ही इसमें देखने को मिलता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन भी। इसके साथ हमें देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो कि आता है 107 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ। इस फोन के रियर कैमरा से 4K वीडियो ले पाएंगे 60fps पे। बात करें इस फोन के फ्रंट कैमरा की तो इस फोन के फ्रंट में हमें देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेटअप जो कि आता है f2.0 अपर्चर के साथ, और इससे आप फुल एचडी वीडियो ले पाएंगे 30fps पे। तो पिक्सल डिवाइसेस के हार्डवेयर उतना मैटर नहीं करता, जो मैटर करता है वो इस फोन का सॉफ्टवेयर, और जो पिक्सल डिवाइसेस हैं वो बेहतरीन तरीके से इमेज प्रोसेसिंग करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन के कुछ और फीचर्स के बारे में। इस फोन में हमें 6 इंच का फुल एचडी प्लस 90Hz का ओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिलता है, साथ ही इसके स्क्रीन में देखने को मिलता है गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन, और ये फोन आता है एल्युमिनियम बैक के साथ। बात करें इस फोन के प्रोसेसर की तो इस फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 देखने को मिलता है, जीपीयू आपको देखने को मिलेगा एड्रीनो 620, LPDDR4X रैम और UFS 2.1 के साथ। इस फोन का AnTuTu स्कोर है 3,30,000। इस फोन में आपको 4000mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने को मिलती है 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। एल्युमिनियम बैक होने के बाद भी ये फोन सपोर्ट करता है वायरलेस चार्जिंग, और अगर आपको इस फोन से किसी अदर डिवाइस को चार्ज करना है तो ये फोन रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। इस फोन में आपको IP68 की वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट की रेटिंग भी देखने को मिलती है। इस फोन का वेट है 151 ग्राम और मोटाई है 8 mm। ये फोन ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है मगर इस फोन को आप ग्रे मार्केट या फिर अमेजन पे कुछ सेलर सेल कर रहे हैं आप वहां से परचेज कर सकते हैं, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आप ये फोन इंडिया में परचेज करेंगे तो इस फोन की आप वारंटी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो आखिरी में बात कर लेते हैं इस फोन की कुछ कमियों की। तो पहली जो कमी है वो है इस फोन का पुअर परफॉर्मेंस, और दूसरी कमी ये है कि इस फोन का आपको 128 स्टोरेज वाला सिर्फ एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है। तो इस लिस्ट में से बताए गए किसी भी स्मार्टफोन का अगर आपको प्राइस चेक करना है या फिर आपको परचेज करना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आखिरी में बात करते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 1 कैमरा स्मार्टफोन की, और नंबर 1 पे है सैमसंग की तरफ से S21 अल्ट्रा। इस फोन के रियर में हमें देखने को मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप, 108 मेगापिक्सल का हमें देखने को मिलता है वाइड एंगल लेंस जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ, साथ ही इसमें हमें देखने को मिलता है लेजर ऑटो फोकस और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी। इसके साथ हमें देखने को मिलता है 10 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस जो कि आता है 10x ऑप्टिकल जूम के साथ, और इसमें भी हमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है। 10 मेगापिक्सल का ही हमें टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है जो कि आता है 3x ऑप्टिकल जूम के साथ, और इसमें भी आपको OIS देखने को मिलता है। और चौथा जो लेंस है वो हमें देखने को मिलता है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो कि आता है f2.2 अपर्चर के साथ। इस फोन के रियर कैमरा से आप 100x तक जूम कर सकते हैं, 8K वीडियो ले पाएंगे 24fps पे, और साथ ही इसमें आप स्टीरियो साउंड रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे। बात करें इस फोन के फ्रंट कैमरा की तो इस फोन के फ्रंट में हमें देखने को मिलता है 40 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेटअप जो कि आता है f2.2 अपर्चर के साथ, और इससे आप 4K वीडियो ले पाएंगे 60fps पे। तो बात कर लेते हैं इस फोन के कुछ अदर फीचर्स की। इस फोन में आपको 6.8 इंच का क्वाड एचडी प्लस 120Hz का डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, और साथ ही इस फोन के फ्रंट और बैक में आपको देखने को मिलेगा गोरिल्ला ग्लास विक्टिस का प्रोटेक्शन भी। अब बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की तो इस फोन में आपको एक्सिनोस 2100 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस है। जीपीयू आपको देखने को मिलेगा माली जी 78, और इस फोन का AnTuTu स्कोर है 6,46,000। इस फोन में आपको 5000mAh की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलेगी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ जो कि लेता है 55 मिनट इस फोन को 20-100% चार्ज करने में। इस फोन में आपको अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है, साथ ही इसमें मिलेगा आपको IP68 की वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट की रेटिंग। इस फोन का वेट है 229 ग्राम और मोटाई है 8.9 mm। ये फोन आप तीन कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे, सिल्वर, ब्लैक और ब्राउन। इसका 12+256GB वाला वेरिएंट आप 93,000 में खरीद पाएंगे। तो आखिरी में बात कर लेते हैं इस फोन की कमी की। इस लिस्ट के सारे ही फोन
टॉप ऑफ द लाइन फोन है और कंपनी मेक श्योर करती है कि इनमें कोई भी कमी ना हो। मगर फिर भी इस फोन में हमें एक काफी बड़ी कमी देखने को मिलती है जो कि है ओवरहीटिंग। नॉर्मल यूसेज में भी ये फोन ओवरहीट करता है, पर अदरवाइज ये फोन हर मामले में एक बीस्ट है और स्पेशली जो कैमरा है वो आज की डेट में सबसे बेस्ट है किसी भी स्मार्टफोन में। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, और अगर नहीं पसंद आई है तो दो बार डिसलाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।